दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक हर्बल टूथपेस्ट जिसे मैं घर पे बना रही हूँ और आप भी बड़े आसानी से बना सकते हो। दोस्तों ये जो टूथपेस्ट है वो सिर्फ बेनिफिट्स ही देगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हैं, आपके दांतों में पीलापन है, आपके दांतों में झंझनाहट है, आप ठंडा गर्म नहीं खा पाते, आपके मसूड़ों से खून आता है, आपको पायरियर हो गए, तो ये सारी समस्याओं को दूर करेगा दोस्तों। और जो मार्केट में जो टूथपेस्ट मिलता है उसके बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें टॉक्सिक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी को नुकसान करता है और उस केमिकल की वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो उसकी जगह आप घर में बने ये टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मार्केट में जो टूथपेस्ट होता है वो गारंटी देते हैं कि आपके दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा, लेकिन जो पीलापन है वो दूर नहीं होता। लेकिन दोस्तों इस टूथपेस्ट को आप रेगुलर करोगे तो आपके जो तंबाकू के जो गंदे दांत हो जाते हैं उनको भी दूर करेगा ये टूथपेस्ट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज का वीडियो ना बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ये टूथपेस्ट, साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर मैं जो डाल रही हूँ वो है सबसे पहला कपूर, क्योंकि कपूर को हमें तोड़ना है। दोस्तों मैंने कपूर की मात्रा देख लीजिए कितनी कम मात्रा ली है, आपको कम से कम लेनी है। तो मैं इस कपूर को यहां पर तोड़ देती हूं, ये देखिए कितनी जल्दी ये पाउडर बन गया है। दोस्तों कपूर जो होता है ना वो पेन किलर होता है, अगर कभी भी आपको दांतों में दर्द हो रहा है ना तो कपूर के पानी का कुल्ला कर लीजिए या कपूर का थोड़ा सा टुकड़ा अपने दांतों में रख लीजिए, दबा लीजिए, तो आपका जो पेन होगा दांतों का वो खत्म हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और दूसरा मैं जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ नमक, जी हाँ बहुत सारे टूथपेस्ट में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, ये आधी चम्मच से भी आधा नमक है। क्या है ना कि नमक अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे मसूड़ों को कटने का डर रहेगा, तो नमक की मात्रा भी मैंने बहुत कम ली है। और दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब सरसों के तेल, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो पेस्ट, तो आप सरसों के तेल के साथ नमक की मालिश कर लीजिए, दांतों का दर्द भी दूर हो जाएगा और दांतों का पीलापन भी दूर हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ ले रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चम्मच इसके अंदर नहीं जा रही है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ आपको इससे भी कम लेना है, क्योंकि अगर सोडा ज़्यादा यूज कर लिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, हमारा मसूड़ा कट सकता है, तो इसकी भी मात्रा आपको बहुत ही कम लेनी है। आप देख रहे हैं ना कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है। दोस्तों दांतों के पीलापन को दूर करने में, झंझनाहट को दूर करने में और दांतों में जो कीड़े लगे होते हैं उनको दूर करने में, दांतों के दर्द को दूर करने में सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर हमारे दांतों को मोतियों की तरह चमकाने में। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को मिला दिया है। अब जो मैं चौथी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है नीम पाउडर। आप सभी को पता है नीम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को जो हमारे मुंह के बैक्टीरिया हों उनको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट में, जी हाँ। और हमारे यहाँ आप जानते हो हमारी परंपरा रही है, जब टूथपेस्ट नहीं बनता था तो हम लोग क्या करते थे, नीम का दतून करते थे, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, तो ये हमारे दांतों के जो बैक्टीरिया है कीड़े हैं उन्हें ख़त्म करता है, कभी भी कीड़े नहीं लगते थे। और जो जो पुराने लोग हैं, आपने देखा होगा अगर किसी पुराने इंसान से आप मिले होंगे तो उनकी एज शायद 90 साल तक हो जाती है, फिर भी उनके दांत जो हैं वो सलामत रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो नीम का नीम के दतून से मंजन करते थे। नीम हमारे दांतों को मजबूती देता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा डालेंगे क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, आधी चम्मच से कम हमने नीम लिया है, ठीक है, ये हमारे दांतों में मजबूती लाता है, हमारे दांतों को, हमारे दांतों का जो पीलापन है उसे दूर करता है, पायरिया के रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है नीम पाउडर। और आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे मैंने नीम की पत्तियाँ भी ली हैं, तो अगर आप चाहो तो नीम के पत्तियों को पीस के इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नीम पाउडर का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास नीम पाउडर पहले से था और पत्तियों को पीसना पड़ता है और बहुत ही कम पत्तियाँ पड़ती हैं इसमें, एक या दो पत्ती पड़ती है तो पीसने में ना बड़ी दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे सुखाकर नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और हम जो लास्ट यूज कर रहे हैं, लास्ट नहीं अभी एक चीज़ और आपको ऐड करनी है इसमें, ये है चारकोल पाउडर, जी हाँ ये है एक्टिव चारकोल जो हमारे दांतों को मोतियों सा बनाता है, हमारे दांतों से जुड़ी हर समस्याओं को दूर करता है।
और आपने देखा होगा जो मार्केट में टूथपेस्ट मिलते हैं ना, उसमें भी चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दांतों को सड़ने से बचाता है, दांतों और मसूड़ों को कीड़े से बचाता है, झंझनाहट से दूर रखता है हमारे दांतों को, दांतों में खून आने से रोकता है, दांतों में अगर छेद हो गया है तो उसको भी भरता है, और सूजन और पारिया को भी दूर करता है। तो यहाँ पर हम जो चारकोल मिलाने वाले हैं वो भी लगभग हम मिलाएंगे आधा चम्मच, ठीक है। अगर आप ठीक है, इसमें से चारकोल है, सोडा है, नमक है, अगर इन सब का आप अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे दांतों के लिए। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मिला दी हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपस में मिला देना है दोस्तों। आप चाहो तो इस पाउडर से भी आप रोज़ाना अपने दांतों को मल सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं, उंगलियों से ब्रश कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, दांतों से जुड़ी हर समस्याओं को ये दूर कर देगा, ठीक है। रोज़ाना बस एक चुटकी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें मिला देना चाहिए थोड़ा सा नारियल तेल, ताकि ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ नारियल तेल मिला लिया है, नारियल तेल भी हमारे दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इसे हम धीरे धीरे अब मिलाते हैं। और हाँ, यहाँ तो एक चीज़ मैं मिलाना ही भूल गई हूँ दोस्तों, और वो चीज़ है हमारे स्वाद के लिए दोस्तों। क्या है ना, इसमें नीम मिला हुआ है जो बहुत ही कड़वा होता है, तो करने में थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम आपस में मिक्स कर देते हैं। अभी जब चीनी गलेगी तो ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे अच्छे से हमें चलाना है ताकि ये चीनी गल जाए। तो ये हमारा पेस्ट बनके तैयार है, ठीक है। इसे आप बाहर ही रख सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक कोई भी आप शीशी ले लीजिए, ठीक है, जैसा भी आपके पास हो, और इस तरह यूज कर लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा टूथपेस्ट बनके तैयार है। आप चाहो तो इसका रोज़ाना यूज कर सकते हो। अगर आप पायलिया रोग से परेशान हो, या फिर आप दांतों के पीलेपन से परेशान हो, आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं जो आपको हर जगह शर्मिंदा महसूस कराते हैं, तब आप इसका रोज़ाना सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चुटकी इस्तेमाल करिए, इतना ही बहुत होता है टूथपेस्ट। एक चुटकी इस्तेमाल करिए, अच्छे से उंगली से लेकर अपने दांतों की कुछ ऐसे मसाज करिए। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यूं ही मसाज करनी है अच्छे से दांतों की, ठीक है। और उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। इतना ही आपको रोज़ाना करना है, आपके दांतों का पीलापन 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और रोज़ाना करेंगे तो दांत तो बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते नज़र आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके दांतों में हल्का पीलापन है, आपके दांत बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, आप किसी ऐसे दांत के रोग से पीड़ित नहीं हैं ना परेशान हैं, तब भी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन करेंगे तो आपके दांत जो होंगे वो मोतियों की तरह चमकेंगे। जो हल्की सी पीलेपन की परत होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहो तो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, अगर इसमें क्योंकि नीम की पत्ती मिली है तो थोड़ा सा उसका स्वाद कड़वा होता है, और मार्केट में जो नीम की पत्ती मिली होती है पर कड़वा नहीं होता है उसका स्वाद, तो आप चाहो तो टूथपेस्ट के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। पर मेरी राय होगी आप इसका इस्तेमाल यूं ही करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हफ्ते में 2 या 3 दिन करना है या पूरे हफ्ते करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने टूथपेस्ट बनाया है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसे ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आपका जो भी अनुभव रहा मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। दोस्तों इस टूथपेस्ट को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।